जीते जी मनुष्य शरीर में ईश्वर का दर्शन करने का सीधा सरल रास्ता बताने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने दिनांक 12 अगस्त 2020 को अपने उज्जैन आश्रम से यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव UKM से ऑनलाइन संदेश में समझाया कि मनुष्य की जो आदत बन जाती है वो जल्दी छूटती नहीं है। कई सत्संगी प्रचार भी करते हैं, सत्संग भी सुनाते हैं, बातों को दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन आज भी उसी पत्थर पानी में फंसे हुए हैं जिनमें पूर्वज फंसे थे। फिर कहते हैं कि भजन नहीं बनता, तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं? नहीं रह सकती। आदमी के जिस चीज की आदत बन जाती है वो जल्दी नहीं छूटती है। बहुत से लोग सत्संगी प्रचार प्रसार भी करते हैं, सत्संगों में आते हैं, बराबर सत्संग सुनते हैं, सत्संग की बातों को, याद की हुई बातों को लोगों को बताते हैं, उपदेश करते हैं, लेकिन खुद उस पर नहीं चलते हैं और न परिवार वालों को चला पाते हैं। उसी पत्थर पानी में अब भी फंसे हुए हैं जिसमें पूर्वज लोग फंसे हुए थे, जिससे उनके अंदर धार्मिक भावना जगी नदियों में स्नान करने से, तीर्थों में जाने से, प्रवचन सुनने से, यानी संस्कार बना। अब उसका संस्कार सत्संगियों के ऊपर पड़ा और सत्संगियों के संस्कार जब अच्छे बने और उनको गुरु मिल गए, नामदान ले लिया, नामदान मिल गया, लेकिन तो भी उसको नहीं छोड़ पा रहे, मन बराबर उधर लगा हुआ है। आज सत्संगियों के यहाँ, कितनों के यहाँ मूर्तियां बना करके पूजा हो रही है, घर वालों को कभी समझाए? ये नाराज हो जाएंगे, लड़का नाराज हो जाएगा, धनिया की पंजीरी नहीं बनी, हलाहार नहीं बना, झांकी नहीं सजाई गई, कृष्ण को झूला डाल करके झुलाया नहीं गया, तो कभी असली चीज जानते हुए भी आप बताए तो मन कहाँ लगा हुआ है? उधर ही लग जाता है। किधर लग जाता है? जिधर और लोगों का मन लग गया, जो कर्जा अदा करने के लिए परिवार वाले जुड़े हुए हैं, सोचते हैं नाराज हो जाएंगे, रोटी पानी नहीं देंगे, उस मालिक को भी भूल जाते हैं कि जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश तो वो करता देता, वो खिलाता वो है, तो उसको जब बोलते हो और कहते हो ध्यान भजन नहीं बन रहा है, कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो आप खुद निर्णय ले लो, जजमेंट कर लो कि एक मन में दो तलवार क्या रह सकती है? कभी भी नहीं।